धरने पर बैठी पीटीआई महिलाओं ने अपने हाथों पर मेहंदी रचवाई है। आपको बता दें कि हरियाणा के भिवानी के लघु सचिवालय के बाहर अपनी बहाली के लिए लंबे समय से चल रहे धरने प्रदर्शन पर महिला पीटीआई ने धरने पर ही करवा चौथ के उपलक्ष्य में अपने हाथों पर मेहंदी रचवाई, साथ ही अपने पतियों की लंबी आयु की कामना की। धरने की अध्यक्षता पीटीआई अध्यापक राजेश कुमार बंसल ने की। सुनीता कुमारी व मीनू पीटीआई ने कहा कि भाजपा सरकार एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी ओर महिला पीटीआई अध्यापकों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे वर्ष 2010 में पीटीआई अध्यापक लगी थी, लेकिन सरकार ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर उन्हें एक तरह से मारने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उन्हें जल्द ही बहाल नहीं किया तो वे धरने पर काली दीपावली मनाएंगे। उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि पीटीआई की नौकरी नहीं जाएगी, उनके परिवार का चूल्हा नहीं बुझने दिया जाएगा, लेकिन अब तक कोरे आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला है। क्रमिक अनशन पर वीरेंद्र जाखड़, सुरेंद्र सिंह, मदन लाल सरोहा, वीरेंद्र मान बैठे। इस अवसर पर राकेश मलिक, राजेश लांबा, राजेश टांडा, शेर सिंह, प्रवीण कुमारी, मुकेश कुमारी, पुष्पा रानी, मुन्नी देवी, सरिता देवी व अनिल तंवर आदि उपस्थित थे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।